हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। आज है ट्यूसडे, मैं आपको एडवांस में बताने वाला हूं थर्सडे सॉरी वेडनेसडे को किन लेवल्स पे आपको काम करना है, क्या आपका हाई रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 10 दिन कम से कम कल की बात आज को फॉलो कर लीजिए, पैसा अपने आप बनना चालू हो जाएगा। मोर देन 80-85% की एक्यूरेसी लेवल से बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं जो किंग रिसर्च के लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं वो बात करते हैं। गाइस, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इन लेवल्स को पेपर में नोट करिएगा, अपने जिस तरीके से मैंने अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर रखा है लेवल्स को, उसी तरीके से आप अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म को करीब करीब 15 दिन के लिए ड्रॉ करिए। आप देखिए खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंट आने लगेगा, कहाँ पे ट्रेड करना है कहाँ पे नहीं करना है आप खुद ब खुद निकालना चालू करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं एज सभी रेशन रसाचालीस हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर खुद काम करूं और अपने क्लाइंटों को भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में काम कराऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कल पहले ही बोला था, निफ्टी फ्यूचर्स में 18,370 और 18,447 के बीच में ओनली थिंग फॉर द सेल बोला। आज मार्केट ने गैप अप खोला, इसके अंदर काफी देर तक सस्टेन किया, इसलिए निफ्टी में हम लोगों ने कुछ नहीं किया आज। काफी देर इस मार्केट में यहाँ पे सस्टेन करने के बाद इसने एक लोअर लेवल का ब्रेकआउट दिया, जहां पे अगेन इस जोन पे आपको सेल करने का ही सोचना था। एनीवे, सो अब कल क्या करें वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त आप नोट कर लीजिए 18,370-18,447 इस जोन में ओनली थिंग फॉर द सेल। अगर आपको बाइंग लग रही है, मार्केट अगर तेज होगा तो मेरी बात ध्यान से समझ लो, 18,447 के ऊपर कम से कम 3 डेज कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दिखा दो, मैं आपको बोलूंगा कि बिंदास बाइंग कर सकते हैं। नए टारगेट जो कि करीब करीब 18,770 तक का हमारा टारगेट रहेगा, 447 के ऊपर सीधे 770 का टारगेट दे रहा हूं, 300 पॉइंट का मिनिमम टारगेट दे रहा हूं। पूरे मार्केट में आपको ये टारगेट नहीं देने वाला कोई। अगर बाई चांस कल मार्केट में गैप अप खुलता है और इसी जोन में रहता है, फिर पैनिक फिर ये धीरे धीरे नहीं चाहता, यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड हैव पेशेंस। जैसे ही हमारा 18,327 का लेवल ब्रेकआउट करेगा, इसी जोन के नीचे आपको 10 मिनट कम से कम निफ्टी सस्टेन कर गई, आप बिंदास सेल करेंगे। पहला टारगेट होगा 18,270 का और दूसरा टारगेट होगा 18,247 का टारगेट रहेगा एंड सेट रिलैक्स। अच्छा, मार्क माई वर्ड, 3 कंसेक्यूटिव डेज और वीकली एक सिंगल कैंडल अगर 247 के नीचे क्लोज हो गई, 18,247 के नीचे क्लोज हो गई, तो मैं आपको दिखाऊंगा ब्लड बाथ, किसको बोलते हैं 247 के आसपास अगर क्लोज हो गई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लड बाथ किसको बोला जाता है मार्केट के अंदर। पैनिक, शार्प पैनिक, यू कैन सी बिलो 18,247 मेरा उसके पास जो टारगेट होगा 18,147 तक का टारगेट है और इस जोन में फिर हम लोग बाइंग करने का सोचेंगे। तो ऊपर 326 के नीचे वीक लग रही है, टारगेट होगा 270 का, 247 का और 247 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव डेज अगर क्लोज हो गई तो आपका 18,170 का पहला टारगेट है, 18,147 का सेकंड टारगेट रहेगा। अगर तेजी करनी है तो यू शुड हैव पेशेंस, 18,447 के ऊपर आप क्लोजिंग दो, आपको मैं ऊपर का करीब करीब 300 पॉइंट का ऊपर का टारगेट दिखा दूंगा। ये मेरे एक सिंपल आसान शब्दों में लेवल्स दिए, कबड्डी कबड्डी नहीं घूमा रहा हूं मैं, ना कोई ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, रेजिस्टेंस खींच रहा हूं, सिंपल एक लेवल्स मैंने प्लॉट किया अपने न्यूमरोलॉजी से, जिसके बेसिस पे मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं। अगेन होने के बाद पब्लिक बोलते हैं, यहां पे एक दिन पहले एडवांस प्रेडिक्शन दे रहा हूं। अगर आप लोगों को हमारा ये प्यार, हमारा ये सपोर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए, सो अब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, 44,156 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 44,156 के ऊपर जाएगा देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग, अदरवाइज नो बाइंग एट ऑल। और 44,156 के बाद पहला टारगेट 44,856 का होगा, दूसरा टारगेट 45,156 का होगा, यानी कि यहां से 800 से 1000 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूं बैंक निफ्टी में। लेकिन एक ही कंडीशन है 44,156, क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि बार बार हमारे इसी जोन को रिजेक्ट करके बार बार निकल रहा है। एक बार रिजेक्ट होगा तो हो जाना चाहिए अच्छे से, अगर उसको मल्टीपल टाइम्स आके टच कर रहा है बार बार, जो मैं आपको ये जोन दिखा रहा हूं यहां पे देखो, बार बार इसी जोन में आ रहा है, बार बार इसी जोन में आ रहा है, इसी जोन में बार बार अगर आके मल्टीपल टाइम आके टच कर रहा है, इसका मतलब एक बुलिश साइन होता है, वहां पे वो रिजेक्ट करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो सप्लाई जोन है, बस ये सप्लाई जोन एक बार निकल ले दो, 156 के ऊपर आया तो भैया 1000 पॉइंट का रैली नॉन स्टॉप दिखेगा, ये मेरी बात आप ध्यान रखना, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे टारगेट से। अच्छा, अगर बाई चांस आप बोलते हो कि नहीं सर, हैवी कुछ भी हैरी सर बाइंग बना रहे हो, नहीं नहीं भाई,
लेवल्स के ऊपर काम करता हूं मैं, मैंने कोई शादी नहीं करनी बैंक निफ्टी से, मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से दोस्ती करता हूं बस। कि जब मेरे दोस्त बने जो मेरे को बोलेगी मैं वो आपको बताता हूं। तो 43,856 का इंपॉर्टेंट हडल है इंट्राडे के लिए। इसके नीचे अगर 10 मिनट भी मार्केट सस्टेन करती है, नो 50-100 पॉइंट का टारगेट सीधे सीधे 43,000 आपको जो सीधे सीधे टारगेट होगा 43,156 का पहला टारगेट होगा एंड 42,856 का दूसरा टारगेट होगा एंड 70 लाख। अच्छा, अगर एक छोटा सा हडल है जो ब्लू लाइन लग गई है, ये एक छोटा सा हडल है 43,656 का। 43,656 के नीचे आप 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करा दो, 3 डेज की क्लोजिंग करा दो, या फिर वीकली एक सिंगल कैंडल इसके नीचे क्लोज करा दो, उसके बाद तो भैया 43,156 एंड 42,856 का लेवल भी लोअर लेवल का दिखा दूंगा। और नीचे उसके बाद टारगेट 42,456 42,156 का दे रहा हूं। लोअर लेवल देखो, जानना चाहते हो अगर गिरता है तो इतना बड़ा टारगेट क्यों दे रहा हूं? कल मैं इसका लॉजिक दूंगा आपको, स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। कल जब मैं लेवल्स बनाऊंगा एक्सपायरी के लेवल्स बनाऊंगा और मैं आपको ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी का बड़ा पिक्चर दूंगा, जो कि मेरे को निफ्टी करीब करीब 17,400 17,500 तक का भी लेवल दिख रहा है। एवे नहीं, ज्ञान थ्योरी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ज्ञान थ्योरी में आ रहा है, प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कल के वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। अगर हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ मेरे दोस्तों प्यार देना ना भूलेगा, आशीर्वाद देना ना भूलेगा, क्योंकि ये लेवल्स, ये जो पिन पॉइंट लेवल्स है सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए बनाता। लाखों रुपए की चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जिससे कि आप मेरे दोस्त मेरे मित्र पैसा कमा सके। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन हो जाना, कल मैं लाइव आऊंगा। और सिर्फ अब तक मैं 3-4 दिन से पेड लोगों के लिए आ रहा था, कल मैं सिर्फ और सॉरी फ्री लोगों के लिए आ रहा था, आप सभी लोगों के लिए आ रहा था। कल जो लिमिटेड सीरियस ट्रेडर है मैं उनके लाइव आ रहा हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉस्मो फीड का, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिएगा। एक छोटी सी फीस है, वो बढ़ जाएगी फिर, एक लिमिटेड 200 मेंबर्स की सीट है। अगर वो क्लोज हो गई तो फिर आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, 50% हाइक हो जाएगा। तो आप अभी रजिस्टर कर ले, कल और परसों मैं आपके लिए 2 दिन आऊंगा लाइव, 2 दिन आऊंगा, कल और परसों 2 दिन के लिए लाइव रहेगा, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी से दबा के दबा सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने माता पिता के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। 10-15 मिनट निकालो, कॉफी बनाओ, उनको पिलाओ, मजा आ जाएगा। लाइफ इसी के अंदर है दोस्त। अपने माता पिता का ध्यान रखा तो समझ लो पिता परमेश्वर जो ऊपर है, परमेश्वर उसका आपने ध्यान रखा, वहां तक आप पहुंच जाओगे। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।